जैसे लगातार अयोध्या और बाबरी मस्जिद के पहले भी कहा जाता था, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेवकूफी बना पागलपन की बातें हैं, ये पागलपन की बातें देश को विभाजन की तरफ लेके जा रही हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात, मंदिर मस्जिद की बात विभाजन की ओर लेकर के चली जा रही है। जो लोग शांति से बैठे हो उनको तुम बार बार उंगली कर रहे हो, बार बार उनको छेड़ रहे हो। आप सोते हुए सांप के लिए, सोते हुए शेर के लिए कभी छेड़ना नहीं चाहिए। आज तो मुसलमानों को रोक रखा है हम लोगों ने। एक बात का ध्यान रखना, यदि मुसलमान फन गया तो लंका जैसी हालत हो जाएगी। मैं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं होना है। हम बैठे हैं वहाँ पर नवाज अदा होगी और वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला। और मैं ये कहता हूँ, जहाँ तुम अजान के लिए मना करोगे, जहाँ आप जो कि नवाज अदा करने के लिए मना करोगे, पहले मैं नवाज अदा करूँगा वहाँ पर जाकर के, मुस्लिम भाइयों को सहयोग करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, आप नमाज पढ़ेंगे? हाँ, नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो नमाज में क्या दिक्कत? वो भी भगवान की इबादत है, भगवान की प्रार्थना है। ज्ञान व्यापी में क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञान व्यापी के अंतर्गत में जो अभी तक नमाज अदा हुई है वही नमाज अदा होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हारी यदि मूर्ति निकली है तो मूर्ति को उठा करके अपने मंदिर में ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है?